इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद के बीच भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि चीन विवाद के समय भारतीय सेना के सराहनीय काम ने देश का मनोबल बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद के बीच एक बार फिर हुंकार भरी है। लखनऊ के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर में नए अस्पताल के शिलान्यास में पहुंचे रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत चीन विवाद के वक्त भारतीय सेना ने देश का सर गौरव से ऊंचा कर दिया। शौर्य और पराक्रम का परिचय हमारे सेना के जवानों ने दिया है। यदि आपको जानकारी उसकी हो जाए तो गौरव के साथ आपका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। यह करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने किया। चीन के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना स्टैंड पहले ही साफ कर दिया है। हाल ही में उन्होंने चीन को दो टूक चेतावनी देते हुए आर पार की लड़ाई की बात कह दी थी। और चलिए बात करते हैं कायर पाकिस्तान की, क्योंकि कायर पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया को अपनी हरकत दिखा दी है और अपनी इस हरकत से जता दिया है कि पाकिस्तान बोलता कुछ और है और करता कुछ और। देखिए, पाकिस्तानी सेना बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। कुछ जिला के बालाकोट सेक्टर में उसने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। बाजवा की कायर सेना ने सीज फायर तोड़ते हुए जमकर गोलाबारी की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। जबरदस्त शेलिंग हो रही है। संदूर, बैरोट, लंजोट और फॉरवर्ड बालाकोट के जितने भी एरिए हैं वो सारे शेलिंग की जद में आ रहे हैं। गोलाबारी से पूरा इलाका गूंज रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हैं। हैती के राष्ट्रपति के खिलाफ लोग व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। कैरेबियाई देश हैती में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर हिंसा कर रहे हैं। हैती की राजधानी में पोर्ट ऑफ प्रिंस में राष्ट्रपति जोवेनल मोइसो के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार के खिलाफ लोग हिंसक प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले तक कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई। पुलिस ने इनको सड़कों से हटाने के लिए रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। पिछले कई महीने से हैती में राष्ट्रपति मोइसे के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात यरूशलम में नेतन्याहू के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। देखिए तस्वीर आपके साथ। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है और ये मांग लगातार तेज हो रही है इसराइल में। इसराइल में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग और सड़कों पर इस भीड़ को, जिस तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर किस कदर। इधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर बम ब्लास्ट से दहल गया है। बम ब्लास्ट में दो पुलिस वालों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक कार ब्लास्ट हुआ है। ये बम ब्लास्ट पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया। बम ब्लास्ट में दो पुलिस वालों की मौत हो गई और एक शख्स घायल है, जिसको पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक पर रखे इस कार से आपको बम की इंटेंसिटी का अंदाजा लग गया होगा। पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। बम के धमाके से पास की इमारतों के शीशे टूट गए। काबुल पुलिस के मुताबिक ये आतंकी हमला था, जो कि पुलिस को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में गजनी और हेलमंद में भी धमाके हुए हैं, जिसमें गजनी में 15 बच्चों की और हेलमंद में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इधर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में माउंट सुमेरू ज्वालामुखी फूट गया है। इससे निकलने वाले धुएं की ऊंचाई करीब 5.5 किलोमीटर है। इंडोनेशिया का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड से जमीन आग उगल रही है। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर माउंट सुमेरू ज्वालामुखी फूट गया है। ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। इससे निकलने वाले धुएं की ऊंचाई करीब 5.5 किलोमीटर तक है। इंडोनेशिया का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी के आसपास रिहायशी इलाके होने की वजह से वहां लाखों लोग रहते हैं। रेस्क्यू की टीम उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने वहां बारिश की भी संभावना जताई है। एजेंसी के मुताबिक अगर बारिश हुई तो खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से ज्वालामुखी से निकले लावे की और फैलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये बड़ी खबर। खबर क्या है आप जान लीजिए। कैपिटल हिल इलाके से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हथियारों से लैस एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। केक कोच के जरिए कैपिटल हिल इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था संदिग्ध। और ये बहुत अहम गिरफ्तारी इसलिए भी क्योंकि
जो बाइडेन के शपथ ग्रहण को लेकर पहले भी हिंसा को लेकर आशंका जाहिर की गई थी, खुफिया इनपुट्स मिले थे और अब इस संदिग्ध का हथियारों के साथ गिरफ्तार होना इसी तरफ इशारा कर रहा है। वहीं कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही वैक्सीन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कम वैक्सीन देने का आरोप लगाया है। कोरोना के खिलाफ पूरे देश में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, वहीं बंगाल में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बंगाल को उसकी जरूरत के हिसाब से कम वैक्सीन भेजी है और साथ ही ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद कंपनियों से वैक्सीन खरीदेंगे। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि राज्य में सभी को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है, ट्वीट कर कहा, मोदी जी ने देश भर में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन भेजी है, पश्चिम बंगाल में भी फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है, ममता बनर्जी सफेद झूठ बोल रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच वैक्सीन पर सियासी लड़ाई काफी तेज हो गई है। टीएमसी के कुछ विधायकों के जबरन वैक्सीनेशन किए जाने के बाद बीजेपी ने अब टीएमसी पर हमला बोल दिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में वैक्सीनेशन बड़ा सियासी हथियार बन गया है। टीएमसी के कुछ विधायकों की कोरोना वैक्सीन लेने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में टीएमसी पर कोरोना वैक्सीन पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया है। टीएमसी विधायक सुभाष मंडल ने पूर्वी वर्धमान में फ्रंटलाइन वर्कर्स की परवाह किए बगैर खुद को कोरोना वैक्सीन लगवा ली। इसी तरह से कटवा पार्टी के एक और एमएलए रविंद्रनाथ चटर्जी ने कोरोना की वैक्सीन ले ली। टीएमसी विधायकों ने जिस तरह से टीकाकरण के दिन कोरोना की वैक्सीन ली उससे बीजेपी को ममता के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।